कहते हैं कि शर्ट का पहला बटन भी गलत लग गया तो बाकी के सभी बटन गलत लग जाते हैं। और हमें ये आदत होती है जंप करने की, एक चीज से दूसरी, तीसरे, डायरेक्ट फोर्थ स्टेप, फिफ्थ स्टेप, डायरेक्ट फॉर्मूला। ऐसा नहीं होता है, ज्ञान की एक प्रक्रिया होती है। मैं ये कह ही नहीं रहा हूँ कि मेरा प्रोटोकॉल एकदम सही है, सटीक प्रोटोकॉल है, ये हो ही नहीं सकता क्योंकि हमारी बुद्धि की लेवल उतनी परफेक्ट नहीं है। लेकिन जहाँ तक हो सके हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम प्योर वे में, साइलेंट, आराम से, ज्ञान पूर्वक, भक्ति पूर्वक कनेक्ट हो पाए, और उसके बाद हमें जो ग्रहण करना है वो अपने आप आता ही चले जाता है। अनाग्रहस्तु शिष्यस्य प्रथम लक्षणम्, बिना आग्रह किए आराम से बैठ जाना है, सिर्फ फोकस अपना अपना देना है, बुद्धि उसका काम करती है बाद में अपने आप। तो आइए जरा नोवेल वे में शुरुआत करते हैं विधिशोणितीय इस अध्याय की। आज हम योजना चतुष्क के शिखर अध्याय पर है। सूत्र स्थान की पूरी जो रचना है वो चतुष्कों में की गई है, उसका एक विशिष्ट प्रयोजन है, विशिष्ट लेवल तक वो हमें लेके जाना चाहते हैं। सूत्र स्थान पढ़ने मात्र से आपको पूरी संहिता का ज्ञान हो सकता है, यदि हम उसको उस एंगल से पढ़े तो, ठीक है। और हर एक चतुष्क का जो चौथा अध्याय है वो शिखर अध्याय होता है, उसमें उस चतुष्क का विशेष जो है, या उस चतुष्क की ऐसी बातें जो तीक्ष्णतम बुद्धि वाले वैद्यों को, स्टूडेंट्स को समझ में आए, इस लिहाज से लिखी हुई होती है। तो ये योजना चतुष्क का शिखर अध्याय, विधि शोणिति अध्याय, इतना समझने मात्र से ये एक वाक्य ही पर्याप्त है कहने के लिए कि किसी भी रुग्ण की औषधि योजना करने के लिए आपको रक्त को समझना अनिवार्य है। बिना रक्त को समझे, बिना रक्त को जाने, बिना रक्त की चिकित्सा किए आप किसी व्याधि की पूर्णतः ट्रीटमेंट कर ही नहीं सकते। अगेन, ये एकांत है, एकांत तंत्र युक्ति है। आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रक्त को कंसिडर करते ही हो, बिना रक्त के बारे में सोचे आप ना तो प्रतिशाय ठीक कर सकते हो ना तो कोई किसी। क्या लगता है आपको, ये बात सही है, गलत है, या क्या कह सकते हैं, अतिशयोक्ति है ये? व्हाट डू यू थिंक? बिना रक्त का विचार किए आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। ये योजना चतुष्क का अध्याय है, ये योजना है, सही है। कौन सा भी व्याधि लो, रक्त का कहीं ना कहीं संबंध आता है। हम लोग उसे डीप में सोचते नहीं है, इसलिए हमें लगता है कि यार इसमें रक्त का क्या संबंध है, लेकिन रक्त का संबंध होता ही है। यदि आप सुश्रुत शरीर स्थान 7th अध्याय पढ़ो तो उसमें इतनी सूक्ष्मतम तरल बातें बताई है जो सिरा से रिलेटेड है, रक्त से रिलेटेड है। जैसे रक्त वह सिरा का कर्म दिया है कि धातु नाम पूर्णम वर्णम स्पर्श ज्ञानम असंशयम। आपके हर एक अणु परमाणु को, सेल को स्पर्श विज्ञान समझ में आना, ये रक्त वह सिरा का काम है। और यदि आपका रक्त प्राकृत होगा, सूक्ष्म होगा, तरल होगा, फाइन होगा, क्वालिटेटिवली क्वांटिटेटिवली अच्छा होगा, तो आपका स्पर्श विज्ञान अच्छा होगा। और स्पर्श मतलब एवरी काइंड ऑफ स्पर्श, अंदर जो रिसेप्टर्स के ऊपर जो मॉलिक्यूल गिरते हैं और वहां पे उसका सेंसिटिविटी होती है, बढ़ती है, उस रिसेप्टर पे गिरे हुए उस परमाणु को अंदर लेना या नहीं लेना, इंसुलिन गिर रहा है GLUT4 रिसेप्टर्स पर, उसको अंदर लेना या नहीं लेना, ये भी आपके रक्त के तरल भाव के ऊपर निर्भर करता है। और बाकी हम जो पारायण करते हैं स्पर्श विज्ञान के माध्यम से, वो भी आपका स्पर्श एक प्रस्पंदन है, प्राण के मार्फत वो प्रस्पंदन शरीर के अंदर जाता है और उसको गति जो है वो रक्त के थ्रू मिलती है। और रक्त एक एकमेव ऐसा धातु है जो दुआ है अन्नमय कोश और प्राणमय कोश के बीच का, इसलिए अन्नमय और कोश और प्राणमय कोश को अच्छी तरह से आपको कनेक्ट करना है, उनसे अच्छी तरह से जुड़ना है। वहां के रिलेटेड व्याधि, फिर वो चाहे सामान्य हो, नानात्मज हो, या अत्यधिक व्याधि हो, उनसे आपको डील करना है, तो आपको इस एक्सिस पे काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए रक्त का विशुद्ध होना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट? आई होप आप सभी लोग जुड़ रहे हो ठीक से। चैट बॉक्स में सिर्फ टाइप करते चले जाइए कोई एक, तो मुझे इजी हो जाएगा आगे बढ़ना। यस, वेरी नाइस। अभी आपको चार पर्याय देता हूं, उसमें से आपको क्या डिफरेंस है बताना है मुझे, फिर हम रक्त के ऊपर आएंगे। चार शब्द है, एक है प्यार, एक है मोहब्बत, एक है इश्क और एक है जुनून। इन चारों में क्या फर्क है, क्या सिमिलैरिटी है, कौन बताएगा? या तो अनम्यूट करके बता दीजिए या तो टाइप करके बता दीजिए। प्यार, मोहब्बत, इश्क और जुनून,
सेम है। सर प्यार तो हम जैसे बच्चों से भी करते हैं, बिल्कुल मोहब्बत और इश्क महबूबा से, महबूब से, और जो जुनून होता है वो एक तरीके का ये पागलपन है, जिसको चाहा एग्जैक्टली चाहा है उसको पाना ही पाना है। परफेक्ट परफेक्ट वेरी राइट। प्यार क्या है? प्यार एक सहज भाव है, किसी से भी हम कर सकते हैं प्यार। प्यार किताबों से भी होता है, वस्तु से भी होता है ना। तो जहाँ कहीं कहीं पर ऐसा सिंपल वर्णन होता है किसी चीज का, जहां पर कुछ ज्यादा विशेष अर्थ उसका अभिप्रेत नहीं, या इन जनरल कॉन्टेक्स्ट बोला जाता है, वहां पर कभी कभी लोहित शब्द का प्रयोग होता है। मोहब्बत नाम की चीज ऐसी होती है, जब किसी से हो जाती है तो हमें ऐसा लगता है कि हम दूसरों के बारे में, दूसरे को भी बोले हमारी मोहब्बत के बारे में, राइट। मोहब्बत एक अलग स्टेज का प्यार है। प्यार जब आगे बढ़ता है तो उसका कन्वर्जन मोहब्बत में होता है, तब हमें लगता है कि हमारा जो प्यार है वो दूसरे को भी पता चले। हम बेताब हो जाते हैं हमारे महबूबा के बारे में, सनम के बारे में, गर्लफ्रेंड के बारे में दूसरे को बताने के लिए। ये मोहब्बत होती है। प्यार सीमित है, वो खुद तक ही है। मोहब्बत थोड़ा सा फैला हुआ है, राइट। फिर आगे की स्टेज होती है इश्क। इश्क में ऐसा होता है कि हर जगह वही दिखता है हमें, है ना। किताबों में भी वही दिखती है, लैपटॉप खोलो तो वही, मोबाइल खोलो तो वही, जहाँ कहीं भी अब जाओ आपको दिखता वही है, आपका सनम ही दिखता है। ये होती है उपद्रव की अवस्था, यानी कि इश्क, राइट। और फिर आगे की अवस्था होती है असाध्य अवस्था, वो होता है जुनून। जुनून मतलब खुद का भी जहां पर अस्तित्व मिट जाता है वो जुनून होता है। इश्क तक तो उसको भेद था कि इस व्यक्ति में इसमें वो दिखता है, बाद में जुनून में तो ना स्वयं का भान रहता है ना दूसरे वस्तु का भान रहता है, एक रूपता आ जाती है उस चीज में, उसको कहते हैं जुनून, राइट। एग्री करते हो आप ये पर्याय से? तो जैसा ये उर्दू लैंग्वेज में है ना, ये ब्यूटी होती है शब्दों की, तो वैसा ही हमारे शास्त्र में भी है। विधि शोणित शब्द क्यों आया है? पहला क्वेश्चन तो यहाँ पे ही पढ़ना चाहिए, रक्त क्यों नहीं बोला इसे, क्यों शोणित नाम दे दिया है इस अध्याय का, है ना। तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि अमरकोश आपके पास चाहिए, संस्कृत शब्दावली आपके पास चाहिए। तो आज ये आपका काम है, मैं तो आपको बता ही दूंगा, लेकिन ये आपका काम है देखना कि शोणित का एक मीनिंग क्या होता है। शोणित का एक मीनिंग होता है अमरकोश के हिसाब के, कि जो अच्छे गंध और वर्ण से युक्त हो उस धातु को शोणित कहते हैं। तो जहां पर रक्त का उस कर्म के बारे में आपको बताना चाहते हैं वो, या उस कर्म के ऊपर आप एम्फसाइज करना चाहते हैं, तो उसका उस विशेषण से संबोधित किया जाता है, राइट। जैसे सचिन तेंदुलकर जब कोई क्लास स्ट्रेट ड्राइव मारता है तो सुनील गावस्कर क्या कहते हैं, एंड हियर कम्स द मास्टर। तो मास्टर शब्द उस वक्त जब उन्होंने प्रयोग किया है तो वो स्ट्रेट ड्राइव के लिए किया गया है, वहां पर वो डायरेक्टली हमें समझ में आ जाता है कि ये इसके लिए ही प्रयोग किया गया है, ठीक है। ठीक उसी तरह हर एक शब्द के अपने मायने होते हैं, इतने सूक्ष्म मायने होते हैं, हम उसे समझ नहीं पाते, टेक इट फॉर ग्रांटेड लेते। तो शोणित शब्द का एक अर्थ यह होता है। दूसरा शोणित शब्द का अर्थ होता है जब रक्त को किसी समवायी कारण के स्वरूप में उनको वर्णन करना होता है, जब रक्त अपनी कंसिस्टेंसी चेंज करता है और जेली लाइक कंसिस्टेंसी ले लेता है, होता वो रक्त ही है लेकिन जब अपनी कंसिस्टेंसी चेंज करने लग जाता है, किसी और भाव में प्रवृत्ति उसकी होना शुरू हो जाता है, तब शोणित शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए शोणित स्थापन महादशाएं, रक्त स्थापन महादशाएं नहीं है, क्योंकि शोणित स्थापन करना है आपको, उस रक्त को जेली लाइक कंसिस्टेंसी देनी है। शुक्र शोणित जीव संयोगे तो खलु कुक्षिगते गर्भ संज्ञा, शोणित शब्द है क्योंकि दोनों मिलकर एक चेंज ला रहे हैं, परिवर्तन ला रहे हैं, तब जाके गर्भ की उत्पत्ति हो रही है, राइट। इस प्रकार से हर एक शब्द को हम समझेंगे तो उसके पीछे का भाव हमें समझेगा, फिर द्रव्य तो अपने आप समझ में आने ही आने हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। अब ठीक इसी तरह आपको रक्त का मीनिंग क्या है, रुधिर का मीनिंग क्या है, लोहित का मीनिंग क्या है, इनको भी देखना है। रुधिर ध्रु धातु है अंदर, जहां पर धारण कर्म अपेक्षित है वहां पर रुधिर शब्द का यूज किया है। देहस्य रुधिरम मूलम रुधिरेण एव धारयेत, शब्द ही देखिए कैसे आए हैं, न वहां पर रक्त है न वहां पर शोणित है, उनको एम्फसाइज वहां पर धारण कर्म करना है, इसलिए वहां पर रुधिर आया है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये वर्ड्स वैसे ही आते हैं, एक कुछ कुछ इंस्टेंसेस होते हैं जहां पर छंद पूर्ति के लिए, जैसे मान लीजिए आपको दो ही अक्षर वहां पर डालने की परवानगी है या परमिशन है,
अनुष्टुप छंद कंप्लीट करने के लिए, तो वहां पर रक्त यूज कर दिया। ऐसा बहुत कम जगह पर होता है कि छंद पूर्ति के लिए कोई शब्द यूज किया जाता है। अमूमन तौर पर उस शब्द का कोई स्पेसिफिक मीनिंग होता है, तब जाके वो लिया जाता है। तो बेसिकली शोणित शब्द जो है ये गंध और वर्ण से रिलेटेड है, किसी कन्वर्जन फेज से रिलेटेड है। तो जाहिर सी बात है, गंध यानी कि पृथ्वी, वर्ण और कन्वर्जन यानी कि तेज। तो जब जब पृथ्वी और तेज इनसे रिलेटेड विकृति आना शुरू हो जाता है, तो शोणित विकार आना शुरू हो जाता है। अब इस एंगल से यदि आप शोणित विकार पूरे देखोगे, तो आपको समझ में आएगा कि इसमें अग्निसाद क्यों है, तो आपको इसमें समझ में आएगा कि इसमें स्वर साध क्यों है, ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं। और शिरसष्ट रोग ये शोणित विकार है, हम कभी सोचते भी नहीं है, पित्त से रिलेटेड लेते हैं। शिरसष्ट रोग ये शोणित विकार है, अजीर्ण से भी रिलेटेड हो सकता है बहुत। इस यहाँ पर दिए हुए विकार सिर्फ शोणित से ही है रिलेटेड, ऐसा नहीं है, बाकी से भी रिलेटेड होते हैं, लेकिन शोणित से रिलेटेड होते हैं ये बताने के लिए कि कहीं ना कहीं यहाँ पर शोणित धातु का विचार करना जरूरी है, हमें ये ध्यान में रखना है। फिर शोणित अच्छा बने इसलिए क्या करना है, यह हमें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि जाहिर सी बात है कि पृथ्वी अच्छा होना चाहिए, अग्नि अच्छा होना चाहिए, आकाश अच्छा होना चाहिए। तो अगेन बेस वही है, सही समय पे खाना, काल भोजनम आरोग्य कराना, चबा चबा कर खाना, ये सभी चीजें अपने आप इनबिल्ट आ गई, ये अच्छी रही तो अपने आप रक्त धातु अच्छा होने वाला है। फिर स्पेसिफिकली शरद ऋतुचर्या, उसको आपको फॉलो करना है, रक्तमोक्षण आपको करना है। रक्तमोक्षण कब करना है, तो शरद ऋतु में तो करना ही है, और शिशिर ऋतु में भी लंघन करने का आदेश है, तो रक्तमोक्षण इसको लंघन अंतर्गत भी हम ले सकते हैं। हो सके तो स्नेहपान आपको करना है 3 से 5 दिन तक, कोई भी ऐसा घृत लेना है जो जिसका गामित्व रक्त कोश पर है, सॉरी जिसका गामित्व रक्त धातु की ओर है या आपके प्राणमय कोश के ऊपर है। तो ऐसे 3 या 4 घृत है, एक है महापंचगव्य घृत, एक है महातिक्त घृत, एक है महाकल्याणक घृत, एक है दाढ़ीमादि घृत, ऐसे कुछ गिने चुने ही घृत है तो डायरेक्टली रक्त के ऊपर, प्राण के ऊपर, बुद्धि के ऊपर काम करते हैं। तो इसमें से किसी भी घृत का आपकी प्रकृति, देश आदि साथ में को देखकर आपको सेवन करना है, और अभ्यंग स्वेदन भी करना है इन 3-4 दिनों में। और जब भी आप रक्तमोक्षण करोगे उसके पहले आपको यवागु का पान करना है, यवागु खानी है, उसके बाद बाह्य स्नेहन स्वेदन करना है, और स्वेदन करते ही तुरंत आर्द्र स्वेद अवस्था में, यानी कि स्वेद सूखा भी नहीं है वैसे अवस्था में आपको तुरंत रक्तमोक्षण करना चाहिए, तो उसका अधिक से अधिक फलम यह होता है। अगर ये सर्वती दुष्टाश्रम ऐसे कहते हैं कि शरीर की नेचुरल प्रवृत्ति ही है, पहले वो खराब रक्त बाहर फेंकता ही है शरीर, बस आपको उसको उचित वातावरण दे देना है। तो आप यदि उसको अभ्यंतर स्नेहन, बाह्य स्नेहन स्वेदन, यवागु, इस प्रकार से शरीर को अभिसंस्कार कर दो, तो वो रक्त का निष्कासन जो है वो बहुत अच्छी तरीके से हो जाता है। इस प्रकार से आपको करना है, आज तो आपको करना ही करना है। आज आप लोग पुष्य नक्षत्र पे, पुष्य नक्षत्र का दिन है, सुबह सुबह उठे हैं, हमने सब मंत्रों का उच्चारण किया है, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः से लेकर शनि देवता के मंत्रों तक, नाग देवता के मंत्रों का उच्चारण किया है, ये सभी का रक्त से कनेक्शन है, इसलिए ये मंत्र लिए गए हैं, और इसका आपको अधिक से अधिक बेनिफिट मिले, इसलिए हो सके तो आप अभी ये पारायण होने के बाद तिल यवागु, या तिल यवागु नहीं होती है तो सादी कोई यवागु, वो भी नहीं है तो तिल के लड्डू खा लीजिएगा 2 या 3, और उसके बाद फिर आप 45 मिनट के बाद रक्तमोक्षण कर सकते हैं। यदि आपको पूरा स्नेहन स्वेदन नहीं पॉसिबल है तो स्थानिक स्नेहन स्वेदन तो भी कीजिए, और उसके बाद फिर रक्तमोक्षण कीजिएगा। ओके, अगेन कर्म अभ्यास में हर एक चीज से जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि जब तक हम खुद स्वयं कर्म नहीं करेंगे तो उसकी ना तो हमें सीरियसनेस आती है, और ये डायरेक्टली हमारी मेमोरी में चले जाता है। यदि हम खुद करते हैं तो हमें ध्यान रखने की जरूरत ही नहीं है कि यवागु देना है, क्या देना है खाने के पहले, रक्तमोक्षण के पहले, खुद करेंगे तो अपने आप वो सिस्टम में ही चला जाएगा, फिर पेशेंट को आप एट ईज बता पाओगे, आपको ध्यान रखने की भी जरूरत नहीं है। और पश्चात कर्म भी बहुत जरूरी है, रक्तमोक्षण होने के बाद अग्नि की विशेष रक्षा करनी होती है, तो ब्रूहणम विशेषेण ऐसा अष्टांग संग्रहकार कहते हैं, आपको ब्रूहण कर्म वहां पर करना है। तो रक्तमोक्षण के पश्चात या तो आप सिद्ध क्षीर महाकल्याणक घृत डाल के ले सकते हैं, या क्षीर यवागु ले सकते हैं, कुछ भी आपको ब्रूहण कर्म वहां पर करना है, और ये रक्त का बल स्थिर हो जाए, इसलिए आज के पूरा दिन जो है आपको आचार रसायन का सेवन, जहां तक हो सके
कम शब्दों का उच्चारण, धीरे स्वर में आपको उच्चारण, क्योंकि स्वर का सीधा सा कनेक्शन रक्त से है, दिया गया है शोणित विकार में श्लोक नंबर 11 से। आप आगे देखो तो शायद स्वर शब्द आया है, स्वर क्षया, ये डायरेक्टली संबंध रक्त से होता है। ये फिर से इसका बहुत बड़ा संबंध है, वो कभी बाद में देखेंगे। पाणिनि व्याकरण, शब्द की उत्पत्ति कैसे होती है, नाभिस्थ प्राण भवना क्या है, एक्चुअल में नाभि क्या है, नाभि मतलब हमारा अम्बिलिकस नहीं तो नाभि मतलब मूलाधार चक्र किस प्रकार से है, फिर नाभि से सभी सिराओं का ओरिजिन किस प्रकार है, फिर उन सिराओं से वो प्राण की गति किस प्रकार से कंठ से होकर शिर के प्रदेश में जाती है, कंठात बहिर्विनिर्याति, कंठ प्रदेश छोड़कर शिर में जाना, तो इस प्रकार का वो पूरा बहुत ही खूबसूरत वर्णन है। यदि आप चाहो तो ये दीपिका व्याख्या पढ़ सकते हो, नाभिस्थ प्राण प्रवणा ना जो श्लोक है उसका जो दीपिका टीका है वो आप पढ़िए, तब आपको समझ में आएगा कि ये रेस्पिरेटरी सिस्टम से या सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड नहीं है, ये कुछ अलग ही विषय है, बहुत ही गंभीर, गहन और बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है, और इस सब का रक्त से क्या संबंध है ये आपको समझ में आएगा। आपके जो कोई भी पेशेंट है जो रक्त विकृति से अफेक्टेड है, उनके लिए आप सिंपल योग या स्वयं भी आप ले सकते हैं, त्रिफला, ग्रोत, घृत, शोद्र, शर्करा, सिंपल योग आया है यहाँ पर, इसी अध्याय में आया है। त्रिफला ये क्लेद कम करने वाला उत्तम द्रव्य है, रक्तगामी द्रव्य है, खास करके ऊर्ध्व चतुर्गत भी इसकी इसका गामित्व होता है। तो एक्ने से रिलेट एक्ने के पेशेंट ले लीजिए, या तो कोई व्रण के पेशेंट ले लीजिए, या कोई भी ऐसा व्याधि ले लीजिए जहां पर रक्त की डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट है, वहां पर आप त्रिफला का सेवन कर सकते हैं। इस प्रकार से मैं अपने पेशेंट्स को बोलता हूँ, यदि आप भी ऐसा कर सकते हो तो बहुत अच्छा हो जाएगा। त्रिफला चूर्ण ले लेना है, मार्केट वाला त्रिफला लो या स्वयं बनाए तो बहुत अच्छा रहेगा, जिसमें एक भाग हरी तकी, दो भाग बिभी तकी और चार भाग अमिल अमल की, इसका चूर्ण आपको ले लेना है। ऐसा 100 ग्राम त्रिफला आपने बना लिया, फिर उसमें आपको 100 ग्राम महाकल्याण घृत मिक्स करना है और 200 ग्राम शहद उसमें डाल देना है, और उसमें ही खड़ी शक्कर जो है बड़ी वाली खंड शर्करा वो आपको 100 ग्राम मिक्स करके उसमें रख देना है। ये पूरा कॉम्बिनेशन आपको मिक्स करके रख देना है, और रोज सुबह उठकर रसायन काल में और रात में सोते वक्त स्वप्न काल में इस रसायन का सेवन आपको करना है। करके देखिए, बहुत सिंपल है, बहुत इफेक्टिव है, और क्या कहने इस योग के। तो ये तो विधि शोणितीय शिखर अध्याय में है, योजना चतुष्क में है, वहां पर कुछ गिने चुने ही फॉर्मूले दिए हुए उन्होंने, लेकिन जो दिए हुए वो मास्टर पीसेस है। दूसरा है पिप्पली क्षीरपाक, एक है चित्र क्षीरपाक, ये भी बहुत खूबसूरत योग है, हम कभी यूजते नहीं है, कभी सोचते नहीं है कि चित्र का रक्त दृष्टि में क्या इफेक्ट हो सकता है, लेकिन जहां जहां पर क्लेद की इन्वॉल्वमेंट है रक्त में, जहां जहां पर कफ का संबंध है रक्त से, वहां पर आप चित्र क्षीरपाक यूज कर सकते हैं, और उसका अतियोग न हो जाए इसलिए युक्तिपूर्वक दूध के साथ ही इन्होंने दिया हुआ है, क्योंकि कटु रस है, कटु विपाक है, तो फिर से अग्नि है तो, और रक्त का अग्नि का संबंध है इसलिए उसका अतियोग न हो जाए, लेकिन उसका जाहिर सा जो इफेक्ट है शरीर पर मिले इसलिए चित्रक का यूज वहां पर बताया गया है, या पिपली का भी यूज बताया गया है। एक बार अभी ये सभी व्याधियों को आप, मैंने जो जो कंसेप्ट आपको बताई है वो ध्यान में रखकर शांति से पढ़िएगा, चक्रपाणि टीका भी पढ़िएगा, और एक एक वर्ड का मीनिंग हो सके तो उस अध्याय में जाकर या तो फिर शब्दकोश में जाकर देखिए। मानिए मुखपाक, तो मुखपाक का क्या अर्थ है, जाइए देखिए ग्रंथों में मुखपाक का वर्णन कहाँ पर है, कितने प्रकार के मुखपाक होते हैं, उसमें क्या संबंध है, या मुखपाक का विशिष्ट औषधि कौन सी आई है, उसमें रक्त का क्या संबंध है, इस प्रकार के हर एक व्याधि का आप देख सकते हो, इसका माइंड मैप भी आप बना सकते हो। वेरी ब्यूटीफुल और वेरी प्रैक्टिकल, ये जो लक्षण है दिखते ही दिखते हैं प्रैक्टिस में। पिपासा सिंपल थिंग है, अपने को लगेगा पिपासा का क्या संबंध है, हम पिपासा को या तो वात से जोड़ेंगे, पित्त से जोड़ेंगे, रसक्षय से जोड़ेंगे, पिपासा का साक्षात संबंध रक्त से होता है, कभी कभी रक्त मोक्षण करने से भी पिपासा में आराम पड़ता है। ये अद्भुत है सब, इसको अगर समझ में, क्रोध प्रचुरता, बुद्धि सम्मोह, बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जो पैरालिसिस में लैंड होने वाले होते हैं या कोई गंभीर व्याधि में लैंड होने वाले होते हैं, तो यदि आप उसका हिस्ट्री देखो ना या आपको ऑब्जर्वेशन बढ़ाओ तो आपको समझ में आएगा कि इनकी बुद्धि में विकृति आना शुरू हो जाता है पहले ही, 5-10 दिन पहले, महीने पहले, वो कुछ तो प्रलाप करने लग जाते हैं, कुछ असंबंध बोलने लग जाते हैं, और ये विकृति बुद्धि के स्तर पर होना शुरू हो जाता है। यदि उसी स्टेज पर आप रक्त मोक्षण कर दो
तो बहुत ज्यादा फायदा होता है। लेकिन उसके लिए रुग्ण और वैद्य दोनों बहुत ज्यादा ज्ञापक होना चाहिए, है ना। यदि आप सुश्रुत का एक अध्याय पढ़ो तो वहां पर एक श्लोक आया है, बहुत ही खूबसूरत श्लोक है, कभी पढ़िएगा। धातु क्षयात श्रुते रक्ते मंद संजायते अनलाह पवनश्च परम कोपम याति। धातु क्षय पंचमी विभक्ति है। धातु क्षयात किसी चीज का शरीर के बाहर निकल जाना, यानी कि जब बहुत ज्यादा धातु क्षय होता है किसी वजह से, फिर वो अश्रुक दर के कारण हो या एक्सीडेंटल इंजुरी के कारण हो, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं। तो धातु क्षयात पंचमी विभक्ति है। जब कोई व्यक्ति जब कोई चीज किसी को छोड़ के चला जाता है बाहर, तो पंचमी विभक्ति का यूज किया जाता है। धातु क्षयात श्रुते रक्ते, यहाँ पर सप्तमी विभक्ति है। सप्तमी विभक्ति यानी कि जो चीज निकल तो गई है लेकिन शरीर से साक्षात बाहर नहीं निकली है। तो धातु क्षयात श्रुते रक्ते, मैंने इसका अर्थ लिया है हिमरेज से। श्रुते रक्ते यानी कि कोई चीज अंदर के अंदर कैपिलरी ब्लीडिंग हो रहा है लेकिन शरीर से बाहर नहीं निकला है। धातु क्षयात श्रुते रक्ते मंद संजायते अनलहा, इससे क्या होगा, अग्निमान्द्य होगा स्टैंड लोकल लेवल पर। और पवनश्च परम कोपम याति, शब्द भी क्या यूज किया देखो, पवन वात नहीं, ऐसा वायु जो बहुत ज्यादा बलवान है, गति वाला है, उसका परम कोप होता है। किससे होगा, या तो बहुत ज्यादा धातु क्षय हो जाएगा तब होगा, या तो अंदर के अंदर कोई हिमरेज हो जाए जैसी कंडीशन हो जाए तब होगा। दोनों अवस्थाओं में चिकित्सा अलग रहेगी। यदि धातु क्षय के कारण पवन का परम कोप हो रहा है तो साक्षात आपको स्नेहपान देना वहां पर पहली चिकित्सा रहेगी। उस पेशेंट को इमिडिएटली आप घृतपान तैलपान करा दीजिए, यह उसकी पहली कंडीशन रहेगी। कोई भी इमरजेंसी पहले आधे घंटे के लिए निराम अवस्था समझ के ही आपको ट्रीट करना होता है, और उसके लिए तैलपान घृतपान ये पहली कंडीशन होती है। मर्म प्रोटेक्शन वहां पर बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जो भी दश प्राणायतन है वहां पर महाकल्याण घृत लगाना, शिरोभ्यंग करना, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और दूसरी जो कंडीशन है सोते रखते, ये बहुत बार हमारे पास पेशेंट आते हैं ऐसे एक्यूट इन्फार्क्ट, हिमरेज या TIA जैसी कंडीशन होती है, ट्रांजियंट इश्केमिक अटैक। उस पेशेंट में रक्त वृद्धि के हेतु होते हैं, रक्त दुष्टि के हेतु होते हैं। यदि हम उनको उसी समय पर रक्त मोक्षण कर दे पास वाले मार्ग से, जैसे ऊर्ध्व चतुर्गत संप्राप्ति हो रही है तो ऊर्ध्व चतुर्गत रक्त मोक्षण कर दिया, या राइट लेफ्ट साइड हो रही है तो, या तो राइट साइड के लिए राइट क्यूबोइटल फोसा, लेफ्ट साइड से प्लीहा से संबंध लेकर लेफ्ट क्यूबोइटल फोसा, दोनों ही रक्तवाह के मूल स्थान है, उस प्रकार से आप रक्त मोक्षण कर देते हो तो इमिडिएट ये कंडीशन रिवर्स हो सकती है। इतना ब्यूटीफुल इफेक्ट रक्त मोक्षण का आता है, और मैंने सैकड़ों पेशेंट में रक्त मोक्षण किया है। मेरा सबसे फेवरेट कर्म है रक्त मोक्षण। तो मैं कपिंग भी बहुत ज्यादा पैमाने पर यूज करता हूँ, और सिरावेद भी। पहले तो उसको डायरेक्टली यूज करता था जब इतना नॉलेज नहीं था, न स्नेहन स्वेदन देता था न कुछ, डायरेक्टली भी यूज करता था। अब समझ में आता है कि वो या तो छोटी सी गलती थी या मैं उसको और बेहतर कर सकता था। यदि स्नेहन स्वेदन पूर्वक किया जाए तो रक्त मोक्षण के क्या कहने, उसके तो इफेक्ट्स चमत्कार, ये वर्ड गलत है, मैं इसको यूज नहीं करता हूँ, चमत्कार, मिरेकल, आई डोंट लाइक यूजिंग दिस वर्ड, क्योंकि कोई भी चीज चमत्कार नहीं होती है। वो ज्ञान पूर्वक किया जाए तो उसका इफेक्ट बहुत जबरदस्त दिखता है सामने वाले को, उसको वो चमत्कार लगता है लेकिन वो चमत्कार होता नहीं है, वो ज्ञान पूर्वक होता है और उसका वैसा इफेक्ट होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इस अध्याय में कहने के लिए बहुत कुछ है। यदि आप क्रॉस रेफरेंस भी देख लीजिए, हाँ एक इम्पोर्टेंट चीज आपको बताना रहेगा कि यहाँ पर मद मूर्छा संन्यास इन सब का वर्णन ही इसलिए यहाँ से आया है कि रक्त की परम विकृति जब होना शुरू हो जाता है तब ये सब चीजें हो जाती है। संज्ञा वह स्रोतस, रस वह स्रोतस, मनोवह स्रोतस, यहाँ पर दोषों का आवरण और फिर रक्त की गति बिगड़ जाना, प्राण की गति बिगड़ जाना, ये सब चीजें हो जाती है। तो फिर से अभी ये देखिए कि योजना चतुष्क का अंतिम अध्याय और कहाँ पर लाकर छोड़ दिया इन्होंने, डायरेक्ट एंड स्टेज। लोग अभी मरणा रुग्ण भी मरणासन्न स्थिति में आ गया है, इस स्टेज तक आकर आपको छोड़ दिया है मद मूर्छा संन्यास की बातें बताकर। यानी कि यहाँ पर बताए हुए कल्प सब इमरजेंसी अत्येक अवस्था में यूज होने वाले कल्प है। इसका ये मतलब नहीं है कि सामान्य कंडीशन में यूज नहीं होंगे। यदि वो वहां पर काम करेंगे तो यहाँ पर तो करना ही करना है। कितना सिंपल बताया, मध्य को आपको देना है, उत्कट कटु रस से उत्कट मध्य यदि आप देते हो तो अत्यधिक अवस्था की ट्रीटमेंट है। बहुत सारे पेशेंट ICU में आते हैं जहां पर रक्त का सीधा सीधा इन्वॉल्वमेंट होता है, तो आपको राइल्स ट्यूब के थ्रू आप उनको मध्यपान करा सकते हो, आशावरिष्ठ का पान करा सकते हो, उसमें नींबू निचोड़ कर कटु रस त्रिकटु डालकर आप दे सकते हो। ऐसा सब रेफरेंसेस इस अध्याय में है, हम पूरा तो नहीं देख पाएंगे लेकिन आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा।
फिर आप मूर्छा अध्याय एक बार पढ़ लेना सुश्रुत का, मूर्छा। और इसमें बहुत सुंदर बातें बताई गई है कि जो व्यक्ति अल्प सत्व वाला होता है उसको ही मूर्छा होती है ज्यादातर। बहुदोष की कंडीशन चाहिए, धातु क्षय की कंडीशन चाहिए और अल्प सत्व चाहिए, ऐसे पेशेंट्स को मूर्छा या आईसीयू जैसी कंडीशंस होती है। और उसमें फिर से उन्होंने सत्व का इम्पोर्टेंस दिया है, सत्व काउंसलिंग का इम्पोर्टेंस दिया है। प्रधान मात्र भीषकम में क्यों बोलता हूँ बार बार, उसका फिर से संबंध आपको उस अध्याय में आप पढ़ोगे तो समझ में आएगा। एक क्वेश्चन आपके लिए, ये भी आप बाद में बता देने कि मरण ये लक्षण कौन कौन से स्रोतस विद्ध लक्षण में आया हुआ है, अभी भी आप बता सकते हो। मरण डायरेक्टली मृत्यु होती है यहाँ पर, यदि विद्ध हो जाए, विद्ध यानी कि आगंतुक कारणों से या निज कारणों से यदि ये स्रोतस बिगड़ जाए, विद्ध हो जाए, इनका इनके ऊपर आघात हो जाए, तो कौन से स्रोतस के इसमें मरण शब्द आया है बताइए। वेरी नाइस, प्राण में है, उदक में है, मांस वह में है, अन्न वह में है। उदक वह में तो सद्यो मरण है, अन्न वह में मरण है, यानी कि अन्न वह का साक्षात संबंध आपकी दृष्टि से होता है। दृष्टिवध के बहुत सारे पेशेंट अग्नि अन्न वह स्रोत की चिकित्सा से ठीक होते हैं। पांच स्रोतों में आया है, प्राण में है, उदक में है, अन्न में है, रस में है और मांस में है, रक्त में नहीं है। ध्यान रखिएगा, रक्त वह स्रोतस में डायरेक्टली जिक्र नहीं है मरण शब्द का। ये भी क्यों आए आप ढूंढ के मुझे बताइएगा। ठीक है, ज्वर का साक्षात वर्णन है रक्त वह स्रोतस दुष्टि में, और कहीं पर नहीं है। ज्वर का सीधा सीधा संबंध रक्त से बताया गया है, और मैंने ज्वर अध्याय का उस दिन जब सेशन लिया था तब बताया था कि रक्तानुगमी होकर ज्वर होता है, ऐसा हरित संहिता का वर्णन है। ये क्रॉस रेफरेंसेस से हमें समझ में आता है कि एक व्याप्ति क्या हो सकती है एक संप्राप्ति की, एक अध्याय समझ के वो समझ में नहीं आता है। और यदि आप सुति का उपक्रम अध्याय पढ़ो काश्यप का, तो वहां पर उन्होंने बताया है कि ग्रहणी संजाते बले, जब तक ग्रहणी का बल अच्छा नहीं होता है तब तक ज्वर ठीक नहीं होता है। तो अभी आप जोड़ते चले जाइए एक एक चीज को, ग्रहणी का क्या संबंध है रक्त से, रक्त का क्या संबंध है ज्वर से, है ना। तो इट इज जस्ट अमेजिंग कि कैसे क्रॉस कनेक्शंस हो सकते हैं। जानबूझ के मैं आपको किसी भी बात का डिटेल नहीं दे रहा हूँ, ऊपर 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 आपको सब बता रहा हूँ, और आप अच्छे से सोचो तो मैं आपको उसका क्रक्स भी बताते जा रहा हूँ। आप पढ़ोगे तो मजा आएगा, सिर्फ यहाँ पर मेरी बात सुन के छोड़ दोगे तो मजा आने वाला नहीं है। आज पूरा दिन आप, बहुत अच्छा मुहूर्त है, नक्षत्र है और बहुत अच्छा धातु इसमें हमने प्रवेश किया है विधि शोणितीय। माइंड मैप्स बनाइए, पढ़िए, क्वेश्चन पूछिए, इससे रिलेटेड केसेस पूछिए, तो आपका रक्त धातु बहुत परफेक्ट हो जाएगा आज के दिन, राइट। अभी हमारे पास कुछ 7 मिनट बचे हुए हैं, इसमें आपको कुछ प्रश्न पूछना है अभी तक मैंने जो बताया है उससे रिलेटेड, या रक्त से रिलेटेड कोई स्पेसिफिक केस होगा आपका तो उससे रिलेटेड, बाकी फिर हम ग्रुप पर डिस्कशन करने ही वाले हैं आज का पूरा दिन। फिर से बैकलॉग हमें रखना नहीं है, बैकलॉग की चीजें करते चले जानी है, आगे का कुछ पूछना नहीं है, जिस दिन जो अध्याय चल रहा है उसके बारे में पूछना है। अकाउंटेबिलिटी ग्रुप में दूसरा कुछ डिस्कशन करना नहीं है, वहां पर सिर्फ माइंड मैप्स डालने हैं आपको। या तो डिस्कस करना है तो चरक क्लैरिटी ओशन ग्रुप पे कीजिए, या तो पर्सनल डिस्कस कीजिए किसी से। अकाउंटेबिलिटी ग्रुप इसलिए बनाए हैं ताकि लोगों को इजीली माइंड मैप्स मिल जाए, वहां पर डिस्कशन ही ढूंढते रह जाओगे तो माइंड मैप्स मिलेंगे नहीं। ओके, धातु क्षय श्रुते रक्ते मंद संजायते अनलाहा पवनश्च परम कोपम याति, ये श्लोक है, ये शायद आया है सुश्रुत सूत्र 14 या 15 में कहीं पर है, अभी एग्जैक्ट याद नहीं आ रहे। हाँ पूछिए श्रीबा मैम। सर आपने वो कहा ना कि आप चिकित्सा करते समय बिना सोचे भी रक्त की चिकित्सा करते हैं, वो वाली बात अधूरी रह गई थी। बिना सोचे, यही कि कोई भी प्रस्पंद है ना, कोई भी भाई, कोई भी प्राणों ही शोणितम अनुवर्तते, हर एक चीज जो है वो शोणित के मार्ग से ही जाती है, और आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसके ऊपर काम करते हो, बस उसको एसेस नहीं कर पाते कि ये शोणित के ऊपर इसका इफेक्ट आया है नहीं आया है। इसलिए ये श्लोक दिया है इसी अध्याय में कि प्रसन्न वर्ण इंद्रियम इंद्रियार्थ निच्छन्तम अव्याहत पक्तृवेगम, किसी
व्यक्ति का वर्ण बिगड़ रहा है तो कारण रक्त है, वर्ण अच्छा हो रहा है तो कारण रक्त है। यदि आपकी ट्रीटमेंट से उसको फर्क गिर रहा है तो कहीं ना कहीं रक्त के ऊपर इफेक्ट गिर ही रहा है, उसका वर्ण सुधर रहा है। वो सभी अपने इंद्रियों के विषय अच्छी प्रकार से सेवन कर पा रहा है। वो खुद होके बोलता है, आपने अगर रक्त मोक्षण किया है स्वयं, मैंने किया है ऊर्ध्व चतुर्गत स्वयं का 3-4 बार, तो एक अलग प्रकार का लाघव महसूस होता है, बुद्धि स्थिर ऐसा महसूस होता है। उसको आप शब्दों में नहीं बयां कर सकते कि एक अलग प्रकार का जो हम भाग रहे हैं किसी चीज के पीछे, तो अपने आप समझ में आ जाती है कुछ कुछ चीजें। एक ऐसा लाघव, एक ऐसी इंद्रिय शांति वो रक्त मोक्षण से मिलती है। फिर कितना खूबसूरत वर्ड है, अव्याहत पक्तृ वेगम, जठर अग्नि का भी वेग आता है सही समय पर। सही समय पर भूख लगना, सही समय पर मल मूत्र की प्रवृत्ति होना, ये सब विशुद्ध रक्त पुरुष के लक्षण है। रक्त अच्छा होगा तो ये चीजें अपने आप अच्छी होगी। और इसका तो जाहिर सी बात है, आप रक्त का और पित्त का और अग्नि का आप संबंध लगा सकते हो, लेकिन मूल कारण यहाँ पर रक्त ही है। ठीक है, तो इस तरीके से हम हर एक चीज में ये देखते ही है। फिर रक्त सारता के लक्षण हमें देखने हैं, कर्ण अक्षि मुख जिह्वा नासाउष्ठ पाणि पादतल नख ललाट मेहनम स्निग्ध रक्त वर्ण श्रीमद राजिष्णु रक्त सारणाम। अभी फिर से देखो, शुरुआत कर्ण है, कर्ण अक्षि मुख जिह्वा नासा औष्ठ पाणि पादतल, मैंने अभ्यंग में कल क्या बोला था, श्रेय श्रवण पादेशु विशेषेण शीलयेत। आपको कानों में, हाथों में, तलवों में आपको अभ्यंग करना ही है। इन सब का संबंध वात से तो है ही, लेकिन रक्त से भी है, क्योंकि ये थर्मो रेगुलेटर्स है, रक्त की स्थान है। और यहाँ से स्पंदन प्रस्पंद की जो है वो बहुत अच्छी तरह से पूरे शरीर में फैलते हैं। तो यदि आप नित्य अभ्यंग इन स्थानों पर करते हो तो अपने आप आपका रक्त धातु के अंदर की गति जो है वो अच्छी होगी, और रक्त धातु की गति अच्छी होगी तो अपने आप जो थोड़े बहुत दोषों का संचय होता है शरीर में, तो अपने आप वो रक्त धातु ही यकृत और प्लीहा के माध्यम से शरीर के बाहर निकाल देता है। ठीक है श्रीवा मैम, श्रीमा मैम, ओके यस। जी सर जी, और किसी को कुछ पूछना है? मादिया, आप कुछ पूछना है आपको? प्रज्ञा मैम, आपके पास काफी अच्छे पेशेंट्स होते हैं, खास करके एक्ने के, मुझे पता है। कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, या एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हो, रक्त से रिलेटेड आपने कुछ सोच करके डाला है तो। हर एक व्याधि में भी देखिए कहाँ कहाँ पर रक्त की इन्वॉल्वमेंट है। प्रमेह, हम सिर्फ मेद मेद लेकर चलते हैं, उसमें रक्त इंपॉर्टेंट है। रक्त को ऊपर जाने वाले द्रव्य हम प्रमेह अध्याय से भी ढूंढ सकते हैं, विसर्प से ढूंढ सकते हैं, पांडु से ढूंढ सकते हैं, शोणित स्थापन महाकषाय है, उसको फिर से एक बार देखिए रक्त के एंगल से, शोणित शब्द के एंगल से सोच के देखिए, कुछ अलग अर्थ, कुछ अलग द्रव्य मिलते हैं क्या। और क्या चाहिए प्रैक्टिस में, बहुत कुछ हो गया, इतने द्रव्य, इतनी आइडियाज से तो आप लिटरली कोई भी रक्त कंडीशन ट्रीट कर सकते हो। कॉन्फिडेंस मिल रहा है या नहीं? अभी मैं आपको बोलूँ कि आईसीयू के किसी पेशेंट को आपको हैंडल करना है तो आप कर सकते हो नहीं कर सकते हो, ठीक होगा या नहीं होगा वो अलग की बात है, क्योंकि ठीक होने में बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उसके लिए उसका दैव अच्छा चाहिए, ज्ञापक चाहिए, स्मृति अच्छी चाहिए, उधर के डॉक्टर्स ने आपको परमिशन देनी चाहिए, लेकिन आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। सिंपल मेडिसिन है, कोई मूर्छित अवस्था में है, राइल्स ट्यूब फीडिंग चालू है, तो आप चित्रकासव करके मिलता है, उस चित्रकासव में नींबू डालकर, थोड़ा सा सोवरचल नमक उसमें डालकर और थोड़ा सा महाकल्याण घृत उसमें मिलाकर, यदि आप राइल्स ट्यूब के फीडिंग के थ्रू, या वो व्यक्ति यदि खा सकता है, अत्यधिक अवस्था में नहीं है एकदम, लेकिन आईसीयू जैसी कंडीशन है तो उसको आप अलग अलग यूश में बनाकर ये सब चीजें मिक्स कर भी दे सकते हो, जहां जहां पर रक्त की इन्वॉल्वमेंट है। कोई कुछ बात नहीं कर रहा है, क्या बात है? सर, आसव में हम जब घृत मिलाएंगे वो डिसॉल्व तो होगा नहीं, कैसे हो जाएगा, उसको करें उसको? गर्म करके डालना है घृत को। ओके ओके ओके
अरे चैट बॉक्स में टाइप करके तो बताइए कैसा लग रहा है, मजा आया नहीं आया, कुछ अलग समझ में आया, अलग विजन मिली? रक्तम जीविति स्थिति ऐसा करके टाइप करिए। किसी किसी को फॉर्मूले पसंद है तो मैंने फॉर्मूले भी बता दिए डायरेक्टली। हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है प्रीमा मैम ने, वासा रक्त पित्त का अग्रे क्यों है ना, वृषो अस्र पित्ते। अभी वासा को यदि आप देखो तो उसकी रचना पत्तों का जब झाग निकलता है उसका, तो शोणित फेन प्रभाव फुफ्फुस उसके जैसा उसका रचना तैयार होती है, और वासा में हम भूल जाते हैं कि कटुरस भी है, तो वासा ये उद्वेगी स्वरूप का भी होता है, तो वो रक्त का शमन भी करता है, स्तंभन भी करता है और शोधन भी करता है। ऐसे तीनों की तीनों प्रॉपर्टीज वासा में होने के कारण वृषो अस्र पित्त ऐसा बताया गया है, अन्य कोई द्रव्य उसकी तुलना में नहीं है। सो लोक पुरुष साम्य सिद्धांत से लेकर युक्ति से लेकर हर जगह वासा को जस्टिफाई किया जा सकता है। ओके सो थैंक यू फॉर रियली अ पेशेंट लिसनिंग। I hope you will apply these principles in yourself and in your practice too. Okay. It was lovely to be with all of you. Love you all.